अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाने का सोच रहे हैं तो एक ख्याल आपके दिमाग में आता होगा कि क्यों ना ऐसा हो कि बैटरी की जूठी ना हो और जैसे सनलाइट हुई वैसे मेरा जो लोड है वो सीधा सनलाइट से चलता रहे और जैसे ही सनलाइट ख़त्म होती है वैसे ही मेरा लोड जो है वो ग्रिड पे आ जाए। तो बैटरी चूंकि एक मेंटेनेबल आइटम है तो मुझे जूठ ही नहीं पड़े बैटरी लगाने की अपने सिस्टम में। तो नेक्सस ने अपना एक मास्टर पीसीयू बिल्कुल इसी तरह का लास्ट ईयर लॉन्च किया था और बहुत ज़्यादा बिका। उसके कुछ जो हैं फीडबैक हम लोगों को आए तो कुछ उसके अंदर कमियां भी रहीं और उन कमियों को हमने दूर किया। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको विदाउट बैटरी का सिस्टम लेना है, आप ये चाहते हैं कि विदाउट बैटरी का सिस्टम आप लें और उससे आपका घर का लोड चले, तो क्या दूसरा ऑल्टरनेट हो सकता है मास्टर पीसीयू के अलावा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि जो हमने मास्टर पीसीयू अपने लास्ट ईयर लॉन्च किया था वो मास्टर पीसीयू में हम लोगों ने ये किया था कि आपको सोलर और ग्रिड, अगर आपके पास ग्रिड भी अवेलेबल है तो आप ग्रिड भी उसको दे सकते हैं और सोलर आ रहा है तो सोलर। तो ये जो है विदाउट बैटरी आपका ऑफ ग्रिड की तरह काम करता था और विदाउट बैटरी आपका जो है वो सारा लोड चला रहा था। अब इसमें ये कि माना किसी वजह से सोलर कम हो जाए तो ग्रिड भी सपोर्ट भी है, माना आपका 1000 वाट का लोड चल रहा है तो उसमें ये हुआ कि भाई 700 वाट जो है सोलर से आ रहा है तो 300 वाट जो बाकी है वो ग्रिड से उठा लेगा। पर इसके अंदर एक पहली लिमिटेशंस कि इसमें जो ग्रिड का सिंक्रोनाइजेशन था वो मात्र 30% ही था, मतलब कि आप जितना आपका सोलर अवेलेबल है उस अवेलेबल सोलर का 30% ही आप ग्रिड से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी कमी रही। दूसरा एक दिक्कत ये रही कि जिन लोगों के पास में ग्रिड थी नहीं तो उन लोगों को खाली दिन दिन में ये आइटम चलाना था, तो माना दिन में उनको अपना एयर कंडीशनर चलाना है या घर के कुछ और लोड हैं वो चलाने हैं, तो माना आपके एसी को स्टार्ट होने के लिए चाहिए 1200 वाट। अब जो सन है उस टाइम पे वो है जो सनलाइट है उससे आपको जो मिला है वो मिला है 1190 वाट, मतलब मात्र 10 वाट की कमी है पर उसके बाद भी आपका सिस्टम नहीं चल पा रहा है। तो ये कुछ इस तरह की कमियां उस सिस्टम में रहीं कि जिन कमियों को उस सिस्टम में हम लोग पूरा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई एडिशनल सोर्स हम लोगों ने नहीं दिया कि जिसके थ्रू हमारा जो जर्क लोड है उसको हम कंट्रोल कर पाएं, या ऐसी परिस्थिति में जिस परिस्थिति में सोलर हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है तो हमारे जो एग्जिस्टिंग लोड चल रहे हैं या तो हमें वो लोड कम करने पड़ेंगे या फिर हमें अपना ग्रिड सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक रहे मास्टर पीसीयू के, जिसकी वजह से हमने मास्टर पीसीयू को फाइनली हम लोगों ने बंद कर दिया और सिर्फ उन लोगों के लिए हमने इस मास्टर पीसीयू को दिया जिन लोगों का सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 3-4 बजे तक का काम है, लाइक स्कूल हैं, तो ऐसे लोगों को आज भी हम मास्टर पीसीयू दे रहे हैं। बाकी ट्रेडिशनल जिन लोगों को घर में यूज़ करना है उनके लिए हमने मास्टर पीसीयू देना बंद कर दिया, क्योंकि दिक्कतें जो हैं वो यही कि चूंकि सोलर कांस्टेंट होता नहीं है, सोलर फ्लक्चुएट करता रहता है कभी कम कभी ज़्यादा और आपको एक कांस्टेंट लोड चाहिए और बहुत सारे लोग ग्रिड सपोर्ट उसमें रखते नहीं, तो ये मास्टर पीसीयू के साथ में एक दिक्कत वाली बात हो रही थी। तो नेक्सस ने अभी अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया है जिसको हम बोलते हैं नेक्सस मास्टर ESS मॉडल। तो ये क्या है, एनर्जी स्टोरेज ये मॉडल है और इस मॉडल में हम लोगों ने क्या किया है कि हमने 1 kVA से लेके 7.5 kVA तक, ये जो मॉडल है ये आप लोगों को अभी अवेलेबल है, 7.5 से ऊपर के मॉडल्स जो हैं वो हम बाद में देंगे आपको। अब इसमें हमने ये किया है कि एनर्जी को कांस्टेंट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कई टाइम पे दिन का टाइम है हमारा एसी चल रहा है सडन क्लाउड्स आ जाते हैं तो हमारा जो है वो सिस्टम जो है वो बैठ जाता है, हमारा सिस्टम जो है वो ट्रिप करने लगेगा, हमारा एसी जो है वो बंद हो जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन के लिए हमने क्या किया कि इस सिस्टम में हमने एक छोटी सी बैटरी डाली और जो बैटरी है PO4 की, मतलब लिथियम फेरोफॉस्फेट की वो बैटरी है। अब इस बैटरी की जो लाइफ है वो तो करीब 15 साल है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फेरोफॉस्फेट बैटरी की जो लाइफ है वो करीब 15 साल होती है, पर इसमें हमने क्या किया है कि इसमें बैटरी इतनी छोटी डाली है कि आपको बैटरी की कॉस्ट जो है वो आपको लगेगी ही नहीं कि बैटरी की जो कोई कॉस्ट भी है। सिर्फ हमने क्या किया है कि इतनी छोटी बैटरी उसके अंदर डाल दी कि 2-4-5 मिनट के लिए अगर आपका सोलर कम हो जाता है तो वो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए है वो बैटरी से उठा ले उसको। सुबह के टाइम में थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग आपको अपना कोई इक्विपमेंट रन कराने हैं तो आपका रन हो जाएंगे, शाम के टाइम लेट टाइम तक आपको अपना सिस्टम चलाना है तो बैटरी और प्लस सोलर दोनों को सिंक्रोनाइज करके वो आपका सिस्टम चला देगा।
तो ये जो है ये हमने सिस्टम जो बनाया है ये स्पेशल लिथियम के लिए बनाया है, लिथियम बैटरी के साथ बनाया है। 1 kVA से लेके आपको 7.5 kVA तक ये वाला सिस्टम हमारा मिल जाएगा। अब इस सिस्टम में 2 तरीके हैं, आपको अगर बैटरी अंदर रखनी है जो आपका एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसके अंदर रखनी है तो हम आपको अंदर भी लगा के दे देंगे, और आपको एक्सटर्नल बैटरी रखनी है तो आप एक्सटर्नल भी बैटरी रख सकते हैं। कल को अब आप इसको ये समझिएगा कि जितनी कीमत में आपका मास्टर पीसीयू आ रहा था उतनी ही कीमत में हमने आपको लिथियम का सिस्टम दे दिया, मतलब प्राइसिंग ऑलमोस्ट वही है, आपका जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। कल को आपका मन हुआ कि भाई मेरे को तो बैटरी बैंक लगाना है और मेरे को तो नाइट का लोड भी जो है वो सोलर से चलाना है, तो बस उसको करना ये है कि वो जो छोटी बैटरी है उसको आपको रिमूव करना है और उसमें आपको बड़ी बैटरी बैंक जो है वो लगा देना है। कितना भी बड़ा बैटरी बैंक आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, अगर आपको फुल नाइट का भी लोड चाहिए तो भी उतना बड़ा जो है बैटरी बैंक आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इंडिया में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने मास्टर पीसीयू को बनाया, और बाहर की कंपनियां हैं पर उन्होंने क्या किया कि अपना जो इन्वर्टर है अपने इन्वर्टर के अंदर ही उन्होंने लिथियम बैटरी को डाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो ये जो इन्वर्टर है ये हमारा विदाउट बैटरी काम करता है। तो चूंकि अब हर आदमी तो उसको पीसीयू को खोल के देखता नहीं है, पर मुझे पता है और आप लोग चाहें तो देख सकते हैं कि बहुत छोटी लिथियम आयन की बैटरी उस सिस्टम के अंदर उन्होंने डाली है। और बाद में उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर आपको कल को इन फ्यूचर बैटरी लगानी है तो बैटरी भी लगा सकते हैं, नहीं लगानी है तो ये सिस्टम चलता रहेगा। क्योंकि लिथियम बैटरी की जो लाइफ है वो है करीब 10 से 15 साल, तो 15 साल तो आपकी बैटरी चली रही है। अब माना ये छोटी बैटरी भी है, माना 20,000 या 25,000 रुपये की बैटरी आपने एक 7.5 kVA सिस्टम के साथ में हमसे ली है, तो अब आपकी जो बैटरी है माना बैटरी कॉस्ट है 25,000 रुपये। अब हम उसमें नेक्सस आपको ये भी बोल रहा है कि आपकी बैटरी जो है वो आपकी 10 साल में ख़राब हो जाती है, सपोज करो 10 साल में ख़राब हो जाती है, तो जो बैटरी की MRP है जो उस टाइम पे MRP है, सपोज उस टाइम पे MRP हो जाती है 30,000 रुपये, तो 15,000 रुपये में आपकी बैटरी वापस, मतलब 25,000 रुपये की आपने बैटरी खरीदी, 15,000 रुपये में आपकी बैटरी वापस चली गई, तो बैटरी का कोई खर्चा ही नहीं है। एक मतलब 10,000 रुपये का आपका खर्चा रह जाता है 10 साल में, 1,000 रुपये साल का खर्चा, 100 रुपये महीने का भी नहीं, 80 रुपये महीने का खर्चा आ गया, तो इससे सस्ता क्या हो सकता है। और आपको फ्रीडम इतनी सारी मिल गई इसके साथ में कि आपको आप विदाउट बैटरी समझिए इसको, कि विदाउट बैटरी आपका सिस्टम चल रहा है, दिन के टाइम पे आपकी कोई ट्रिपिंग आ रही है वो ट्रिपिंग झेल रहा है, आपका जो सिस्टम है कोई जर्क लोड है जर्क लोड को झेल रहा है, आपको कोई माना वेल्डिंग मशीन चलानी है 7.5 kVA पे तो आप वेल्डिंग मशीन चला सकते हैं उससे, पर जो हमारा मास्टर पीसी हो उससे आप वेल्डिंग मशीन नहीं चला सकते हैं। आपको पूरे दिन एयर कंडीशनर चलाना है, आपके स्कूल्स के लोड हैं, आपका ऑफिस का लोड है, ऑफिस में क्या होता है थोड़ा लेट टाइम तक कई बार रुक जाते हैं तो उस टाइम तक जो है सनलाइट नहीं रहती है, फिर आपको ग्रिड यूज़ करना है तो ग्रिड ना यूज़ करके जो बैटरी बैंक है आपका छोटा सा बैटरी बैंक है उसके साथ आप अपना शाम तक लोड चला सकते हैं। इसमें हमने पूरा ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन का भी फीचर दिया है कि ग्रिड, जैसे कि हमारा मास्टर पीसीयू में हम ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन कर रहे थे पर वहाँ पे 30% हम ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन दे रहे थे आपको, कि मात्र 30% ही आपको ग्रिड सिंक्रोनाइज आप कर सकते हैं। माना कि आपका जो लोड है वो 1000 वाट का चल रहा है और उसमें से 700 वाट जो है वो सोलर से आ रहा है, तो केवल 30% 300 वाट ही वो ग्रिड से सिंक्रोनाइज कर सकता था मास्टर पीसीयू में। तो इस वाले पीसीयू में आपको ये भी हमने फ्रीडम दिया है कि 100% जो है वो लोड आप अपना ग्रिड से भी इसमें ऑपरेट कर सकते हैं, ग्रिड से भी चला सकते हैं। माना सनलाइट बिल्कुल नहीं है तो ऑटोमेटिकली ग्रिड पे आ जाएगा, आप ग्रिड के साथ में पूरा लोड चलाइएगा। जैसे ही सोलर अवेलेबल होता है तो सोलर से ये अपनी बैटरी को चार्ज करेगा, जो छोटी सी बैटरी है 10-15 मिनट में अपनी बैटरी चार्ज कर लेगा, उसके बाद में सारा लोड आपका सोलर से चलाने लग जाएगा। तो बहुत सारे फीचर्स इसमें हम लोगों ने दिए हैं और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग भी हम लोगों ने नहीं बढ़ाई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको ये आ रही थी कि भाई जो है प्राइसिंग है उसकी, कि बैटरी की प्राइसिंग बढ़ती है, बैटरी एक कॉस्टली आइटम है, तो बैटरी की प्राइसिंग जो है वो नहीं बढ़ रही है। मात्र इसमें 24Ah की 48 वोल्ट की हम लोग जो है बैटरी दे रहे हैं आपको, और जिसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप मास्टर पीसीयू देखेंगे, मास्टर पीसीयू आप लेंगे तो मास्टर पीसीयू की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ड्यूअल ट्रांसफार्मर का वो सिस्टम बनाना पड़ता है हमें, तो जितने एक सेकंड ट्रांसफार्मर की कॉस्ट थी उतनी कॉस्ट में हमने उसमें बैटरी बैंक डाल दिया। अब चूंकि हम लोग ईमानदारी से बिजनेस करते हैं, हम कहने को आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो है ये विदाउट बैटरी सिस्टम है उसके अंदर ही बैटरी लगा देंगे, आपको दिखेगी भी नहीं, इन्वर्टर के अंदर ही बैटरी लगा के दे देंगे, पर हम लोग जेन्युइनिटी से बिजनेस करना जानते हैं और हम ईमानदारी से हमने आज तक बिजनेस किया है और आप लोगों का बहुत ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट भी इसी वजह से मिला है क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी से सारा जो है वो बिजनेस किया है और एक जेन्युइन प्रोडक्ट आप लोगों को दिए हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को क्लियर बताया कि हम लोग किस तरह जो है विदाउट बैटरी का सिस्टम बना रहे हैं। अब इसको विदाउट बैटरी सिस्टम भी आप बोल सकते हैं क्योंकि एक बहुत छोटी बैटरी है और बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को ना बैटरी का खर्चे से डरने की जरूरत है कि बैटरी में आने वाले टाइम में आपको मना 7.5 kVA आप ले रहे हैं तो उसमें 8 बैटरी आपको लगानी, तो 8 बैटरी का खर्चा आपका हो जाना है कि मतलब लाखों रुपये का खर्चा हो जाना है, 3-4 साल चलेगी, तो ये सब
जो है वो आपको एडवांटेज इसमें मिलने वाले हैं कि आपका ना तो बैटरी का पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, बैटरी की लॉन्ग लाइफ आपको रहने वाली है, बहुत बैटरी जो है वो बहुत लंबे चलेगी। और ये वाले जो अभी मॉडल है ये 1 kVA से लेके 7.5 kVA तक हम आपको दे देंगे। अब इसमें एक फ्रीडम हम आपको और दे रहे हैं कि माना आपको 2 घंटे का पावर बैकअप चाहिए तो आपको हम थोड़ी सी बैटरी को बड़ी करके आपको दे सकते हैं। आप चाहेंगे तो इनबिल्ट भी लगा के दे देंगे और आप चाहेंगे तो एक्सटर्नल बैटरी भी आपको लगा के दे देंगे। तो अगर आपका इस तरह का है कि शाम को 2 घंटे तक जो है वो आपको ज़्यादा ऑफिस में रहना पड़ता है, या आपका कुछ इस तरह का है कि अर्ली मॉर्निंग आपका कुछ है और आपको 2 घंटे का बैकअप चाहिए, तो हम इस बैटरी को थोड़ी बड़ी भी करके दे सकते हैं आपको। उसमें आपकी जो बैटरी की कॉस्ट है वही बढ़नी है, पीसीबी की कॉस्ट तो सेम रहनी है। इसके अलावा इसमें आपको 10 kVA चाहिए या आपको 15 kVA चाहिए तो 20 kVA तक भी हम बना के दे सकते हैं आपको। उसके लिए आपको हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और उसके लिए जो प्रोसेस रहेगा वो तो यही रहेगा कि बैटरी उसमें हम बहुत छोटी लगा देंगे, पर उसमें आपको ये है कि हमें थोड़ा सा उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब करीब 10 से 15 दिन आप लोगों को हमें देने पड़ेंगे। बना के हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर थोड़ा सा टाइमिंग जो है वो आप लोगों को हमें ज़रूर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जेन्युइन ओपिनियन आप लोगों के लिए कि अगर आप विदाउट बैटरी सिस्टम लेने का सोच रहे हैं, आप हमारा मास्टर पीसीयू लेना चाहते हैं, तो आप हमारा मास्टर पीसीयू ना लेके आप ये हमारा मास्टर ESS मॉडल जो है ये आप लीजिएगा। इस मॉडल के साथ में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली आप हमारे इस प्रोडक्ट से गारंटेड सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाले मॉडल को आप हमारे किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से आप ले सकते हैं। आपके नियर में हमारे कौन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको डीलर लोकेटर मिलेगा, वहाँ पे आप अपना पिन कोड डालिएगा। पिन कोड डालने के बाद में आपको जो है वो डीलर लोकेटर मिल जाएगा और आपके वहाँ पे जो भी डीलर अवेलेबल होंगे उनके नाम और टेलीफोन नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि नेक्सस अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया के हर कोने में बना रही है। अभी करीब हमारे 450 से ज़्यादा डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में काम कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि इंडिया के हर कोने, हर तहसील, हर कस्बे में हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हों। तो आपको सिटी पार्टनर के तौर पे और रिटेलर के तौर पे नेक्सस आमंत्रित करता है अपनी फ्रेंचाइजी लेने के लिए। उससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जो नंबर दिए हुए हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे सेल्स मैनेजर हैं उनके नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे कोई हमारा डीलर नहीं है तो आप नेक्सस के साथ जुड़ के एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।